सबसे पहले हम बात करते हैं चीन के घुसपैठिया सेना की, जो कि इतनी बार भारतीय जाबाजों से पिट चुकी है, बावजूद इसके बाज नहीं आ रही है। लगातार उसकी हरकतें, उसकी हिमाकत जारी है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से शी जिनपिंग जो हैं, वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ साजिशें करते जा रही हैं, बावजूद उसके कि उनके खुद के खिलाफ उन्हीं के घर में साजिशें चल रही हैं। हालत ये है कि गद्दी से कभी भी किसी भी वक्त हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि तिब्बत से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें कुछ ट्रेनिंग की आ रही है, ये PLA की ट्रेनिंग है जो तस्वीरें बता रही है। ये केमिकल वेपन से लेकर बायोलॉजिकल वेपन तक की ट्रेनिंग किस तरह से हो वो बता रही है, ये साजिश बता रही है, ये किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। चीन का ये चांडाल चक्रव्यूह खतरे को कितना बढ़ा सकता है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। हिंदुस्तान के फौलादी इरादे से उड़ा चीन का फ्यूज, बदले के लिए करेगा केमिकल हथियार यूज। तैनात किए सीक्रेट घातक हथियार, चीन की चांडाल चौकड़ी तैयार। महापिटाई का प्रतिशोध लेगा जिनपिंग, LAC के पास केमिकल बम की ट्रेनिंग। चीन की नई ड्रैगन चाल, चार तरह की साजिश का जाल। जून से सितंबर तक चीन की घुसपैठिया सेना LAC पर 5 बार पिट गई। शी जिनपिंग अब चीन की जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अपनी ही पार्टी के विरोधी जिनपिंग की गद्दी हिला रहे हैं। ऐसे में चीन का संघ की राष्ट्रपति किसी भी हद तक जा सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इस तरह की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। इस बीच तिब्बत से आई PLA की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसी साजिश जिसमें PLA के सैनिकों को बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप ये 3 तस्वीरें देखिए, देखिए किस तरह पीठ पर सिलेंडर बांधकर चीनी सैनिक आग उगलने वाली बंदूकों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीनी जवानों ने इन सिलेंडर्स में क्या भर रखा है ये कोई नहीं जानता। चीन ने दुनिया के सामने जानबूझकर ऐसी तस्वीरें सामने रखी हैं, जिससे हिंदुस्तान के साथ ही दूसरे दुश्मनों पर दबाव पैदा किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें तिब्बत में चीनी कैंप की बताई जा रही हैं, जहां चीनी जवान रात के अंधेरे में गैस मास्क लगाए नजर आए। सारे चीनी सैनिकों ने ऐसे मास्क नहीं लगाए हैं, कुछ खास ट्रकों में सवार चीनी फौजी ही इस तरह की मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। तो क्या चीन ने LAC पर भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन से हमले की ट्रेनिंग शुरू कर दी है? अब ये 3 तस्वीरें देखिए। चीनी जवान जिन पठारों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां अचानक ड्रोन से सफेद रंग की कोई हल्की चीज गिराई जा रही है। आखिर ये क्या है? क्या ये किसी तरह का बायोलॉजिकल हथियार है? क्या इस तरह से ड्रोन से वायरस की बारिश की तैयारी है, या फिर यहाँ हो रहा है किसी सीक्रेट वेपन का परीक्षण? ये तो नई तस्वीरें भर हैं। अगर चीन की साजिश पर सरसरी तौर से नजर डालें, तो चीन की ये चंडाल चौकड़ी वाली साजिश बेहद गहरी है। चाइना जो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर ट्रीटी और केमिकल वॉरफेयर उन्होंने साइन कर रखे, सिग्नेटरी है, इसलिए वो कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कोशिश नहीं करना, चुकन्ना रहना चाहिए। चाइना जो है इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, इंटरनेशनल लॉस के लिए उसको कोई सैंक्टिटी नहीं है, उसको वो तोड़ता है। साउथ चाइना सी भी उसने यही किया था।
कोरोना के मुद्दे पर चौतरफा घिरे जिनपिंग ने भारत के खिलाफ अचानक एलएसी पर टकराव का माहौल पैदा किया, भारत को लगातार उकसाया, चीनी सेना पिट गई तो आमने सामने की जंग की धमकियां दी। लेकिन जब भारत ने चट्टानी इरादे दिखा दिए तो नई तरह की साजिश रच डाली। पहले आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान का बचाव कर दहशतगर्दों की पीठ थपथपाई, यानी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को हवा दी। फिर हाइब्रिड वॉर वाली साजिश का खुलासा हुआ और अब केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉर का नया खतरा पैदा किया जा रहा है। चीन चाहे जो साजिश रच ले, हिंदुस्तान से उसे हर मोर्चे पर करारा जवाब मिलना तय है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं, कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दुनिया जानती है कि चीन जंग हारने के हालात में किसी भी हद तक जा सकता है। ये पहले ही साफ हो चुका है कि कोरोना वायरस को चीन ने अपने वुहान लैब में पैदा किया था। इस सरकारी लैब की वैज्ञानिक रही डॉक्टर ली मैंग ने पर्दाफाश कर दिया है कि इस वायरस का बेस चीन का मिलिट्री इंस्टीट्यूट रहा है, जिसने CC45 और ZXC41 नाम से कुछ खतरनाक कोरोना वायरस की खोज की और फिर लैब में इसका रूप बदल कर इसे नोवल वायरस बनाकर दुनिया भर में फैला दी। अब सवाल है कि क्या चीन दूसरे वायरस को फैलाने की भी साजिश रच रहा है? हिंदुस्तान से आर पार के हालात में चीन इस हद पर भी उतर सकता है और तिब्बत में की जा रही तैयारियों का यह अंदेशा इसी वजह से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हथियारों से CBRN वेपन, जिसे कहते हैं, पहली बार 1915 में केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ था। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993 के तहत ऐसे हथियार पूरी तरह से बैन है, प्रतिबंधित है। 192 देश जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, दस्तखत किए थे, इनमें चीन भी शामिल है। चीन के कभी युद्ध नीति का पालन चीन ने कभी नहीं किया और इसीलिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। चीनी सैनिक ट्रेनिंग में पीठ पर सिलेंडर लिए नजर आए, जिससे आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे से सिलेंडर में भी खतरनाक केमिकल वेपन को रखा जा सकता है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।